होली और शबे बारात पर्व के उपलक्ष्य पर सोमवार को भूली ओपी प्रभारी नंदूपाल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बैंक मोड़ इंस्पेक्टर पीके सिंह उपस्थित हुए। मंच संचालन मानस रंजन पाल के द्वारा किया गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने शराब पर पूर्ण पाबंदी, अश्लील गानों पर रोक, साफ सफाई, पानी और बिजली की सुचारू व्यवस्था की मांग रखी। वहीं बैंक मोड़ इंस्पेक्टर पीके सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि पर्व में अशांति फैलाने वाले और बाइक स्टंट करने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी। सभी अभिभावकों से अपील की गई कि अपने बच्चों को जब तक 21 साल पूर्ण ना हो तब तक बच्चों को बाइक ना दें। बैंक मोड़ इंस्पेक्टर पीके सिंह और ओपी प्रभारी नंदूपाल ने कहा कि किसी के साथ जबरन होली नहीं खेलनी है। अश्लील गानों पर डीजे बजाने पर रोक रहेगी। अफवाह पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने पर विशेष नजर रखने की बात कही। होली में हुड़दंगी लोग की बात सामने आई थी, ऐसे पर लोगों पर सर क्या कार्रवाई उनका आप लोग बारे में सोचे हैं? दिशा निर्देश दिया है। स्वाभाविक चीज है कि कोई भी महत्वपूर्ण त्यौहार आता है तो पुलिस जो है, जो भी शांति समिति के सम्मानित सदस्य हैं, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करती है। और ये साफ संदेश है कि जो भी असामाजिक तत्व या इस तरह के हुड़दंग जो क्षेत्र में या समाज में फैलाते हैं, पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, मुस्तैद रहेगी। और इस तरह के तत्व जो भी रहेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। और शांति समिति के जो भी गणमान्य लोग उपस्थित हैं उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम लोग मिल करके पूरा सहयोग करेंगे। और ख़ास करके बहुत अच्छा एक संयोग है कि शबे बारात और होली एक साथ है, तो शबे बारात का भी हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि होली जो है बेहतर तरीके से मनाया जाए। और हम लोग क्या हिंदू क्या मुस्लिम एक बेहतर माहौल देंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा समाज में कि भूली के लोग किस तरह से इस त्यौहार को जो है पवित्र माहौल में जो है मनाते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सर सड़क ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर सर कैसे नज़र रखेंगे आप? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सोशल मीडिया भी समाज का एक आईना है। हम चाहेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पर आई है, चाहे आपके आमंत्रित सदस्यों या पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जो बातें उठाई गई है, वो अपने माध्यम से आप इसको प्रचार प्रसार करें कि इस तरह का तत्व, असामाजिक तत्व यदि कुछ भी गलत करने से बाज नहीं आएंगे तो उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ना समाज का ना पुलिस का किसी तरह के लोगों का उनको सहयोग प्राप्त है।